संगीता देवी ने पंचायत में चलाया सघन जनसंपर्क अभियान। गोमो तोपचाची प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पावापुर के मुखिया प्रत्याशी संगीता देवी के द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पंचायत के सभी गांवों एवं वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस जनसंपर्क अभियान के तहत मुखिया प्रत्याशी संगीता देवी के समर्थक सैकड़ों की संख्या में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों पर सवार होकर पंचायत वासियों के बीच उनका चुनाव चिन्ह युक्त पर्चा वितरण करते हुए उनके पक्ष में जोरदार नारा लगा रहे थे। इस दौरान उनके प्रतिनिधि जितेंद्र पांडेय ने कहा कि मैंने वर्षों से एक समाज सेवी के रूप में ग्रामीणों की सेवा की है। मुझे अपने पंचायत के सभी वर्गों एवं समुदायों का भरपूर सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है। ये कौन सा टोला है? पावापुर पंचायत मजली टाण है। आप लोग यहीं रहती हैं? इस बार पंचायत चुनाव हो रहा, आप लोग मुखिया का किसको चुन रहे हैं? जितेंद्र पांडे तो नहीं है खड़े, संगीता देवी। संगीता देवी खड़ी, जितेंद्र पांडे हस्बैंड है उसके, उन्हीं को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? कहाँ है? वो 10 साल रहे मुखिया में। कौन? पुराना मुखिया? पुराना मुखिया, हाँ, पप्पू मेहता। हाँ, अच्छा। तो अब हम लोग सोचे मिलना चाहिए ना, तो पप्पू मेहता के द्वारा काम नहीं किया गया? बहुत हुआ है, काम हुआ है। तो इस बार बदलाव चाहते हैं आप लोग ना? बदलाव चाहते हैं हम लोग, जैसे कि दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंचला कुमार। आपका? रेशमी कुमार। आपका जी? अरुंधति देवी। सब इसी टोला के हैं? ठीक। से मुखिया पद के उम्मीदवार श्रीमती संगीता देवी, जिसका चुनाव चिन्ह नाव छाप है, कर्म संख्या 6 में है, जो हम पावापुर पंचायत से चुनावी मैदान में हैं। पंचायत से मेरी धर्म पत्नी श्रीमती संगीता देवी नामांकन पत्र दाखिल की थी। आज हम लोग उसी निमित्त पावापुर पंचायत में अनेक टोलों मोहल्लों में आज जो है सो चुनाव आयोग के आदेश है कि हम लोग को 3 बजे तक प्रचार करना है। उसी निमित्त हम लोग गांव-गांव में घूम करके जनता से आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? विशेष करके जो सरकारी योजनाओं जो यहां के गांव गरीब छात्र किसान मजदूरों के हित में होना चाहिए, मेरा एक मुद्दा है कि अंतिम व्यक्ति तक जो यहाँ सरकारी लाभ है पहुँचाना मेरा उद्देश्य है। आखिर जनता आपको अपना वोट क्यों देगी? ऐसा है कि लंबे कालखंड से जो यहाँ के वर्तमान मुखिया है, यहाँ के जनताओं को छलने का काम किए हैं, धोखा देने का काम किए हैं। यहाँ के जनताओं का डिमांड है कि एक बार पुनः आप चुनाव लड़िए, हम लोग जिताने का काम करेंगे। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव मैदान में हूं। आप पंचायत वासियों को क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं पावापुर पंचायत के अंतिम व्यक्ति को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे एक बार
अवसर देने का काम करिए। मैं आपके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास